बड़ी खबर 2012 के छावला रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर है उत्तराखंड से। इस वक्त 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, ऐसी जानकारी। और 2012 में 19 साल की युवती की रेप के बाद हत्या की गई थी। आरोपियों ने रेप के बाद युवती की आंखों में तेजाब डाला था। मामले की सुनवाई दिल्ली की कोर्ट में शुरू हुई। निचली अदालत ने 3 दोषियों को सुनाई थी फांसी की सजा। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी और फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला, ये जानकारी है। उत्तराखंड के छावला रेप केस में 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट 3 दोषियों की सजा के मामले पर 7 नवंबर के मामले में फैसला सुना सकता है, ऐसी जानकारी। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुना सकती है, ये जानकारी है। और मामले की सुनवाई दिल्ली में शुरू हुई थी। दिल्ली की अदालत ने 19 साल की युवती से रेप और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई थी, जिस फैसले को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी। और जिसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। और ये बड़ी खबर, फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।